एक काम करा आजूबाजूला काही मिळते का ते बघा. अरे मल्टीपल स्टैबिंग है कि जान जाने तक इसको मारा. सर आदमी अटकता है शायद इसीलिए सबने मिलके मारा होगा. कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो पता चल ही जाए. लेकिन एक बात तो पक्की है यहाँ काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई हैं. इसका मतलब है कि खून होने से पहले काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ है. सर ये मिला है. सर शायद यही मर्डर वेपन है. हाँ साहब बराबर यही चाकू था. यही चाकू लेके मैं घर से बाहर निकला था साहब. ओ बाबा कैसा लखोटा बोलता है. अरे पर नहीं साहब चाकू मैं लाई थी. मेरे एकदम चुप. अरे इनके फिंगरप्रिंट्स ले लो. साहब हम लोग अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं ना. हम कोर्ट में बताएंगे कि हमने मारा है. कोर्ट में सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं चलता है. पक्के सबूतों की जरूरत पड़ती है. फिंगरप्रिंट्स देने के बाद आप लोग अपने घर जाएंगे और इनके घर पे पहरा रखो. जब तक फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट नहीं आ जाते इनमें से कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा. जाइए अभी आप. अरे जरा इन्फॉर्मेशन निकालो इनकी फैमिली में और कौन कौन. ओके सर. परसों दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच में कहाँ गए. साहब मैं पुणे ला होता. वो मेरा वर्कशॉप था ना उसी को अटेंड करने गया था. तू कब गया था कैसे गया था और कहाँ रुका था इसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे. साहब मैं 14 तारीख को करीब 6:30 बजे सुबह बस से निकल गया था पुणे के लिए और दूसरे दिन सुबह ही वापस आ गया. शायद मेरे पास टिकट होगा सर. ये बगा सर 7:30 बजे. कसे असणार साहेब. निशा ठेरी और जात की और प्रकाश पक्का कोळी. ऊपर से निशा का पति गुजर चुका है और ये प्रकाश उसे अखा दिन ताने मारता था. एक दिन तो साहब पूरे मोहल्ले के सामने वाइता गाला है मेला नुस्ता रोज पानी जाता है. अजून काय. हाँ मिलता. भाऊजी हे काय. कितनी बार बोला मैं तेरे को नाक के पल्लू नहीं चाहिए मुझे. लेकिन मुझसे ये मच्छी की गंध बर्दाश्त नहीं होती है. अच्छा कोली लड़का पसंद है तेरे को लेकिन कोली वाड़ा से खिनाती है. भौजी सब देख रहे हैं. ये देखने दे इधर रहने का है तो ये सब तेरे चौसले ही चलेंगे. एक मिनट मैं आपकी वही नहीं हूँ बीबी नहीं जो आप मुझ पे फालतू का हक जमा रहे हो. मैं नहीं मानने वाली. मैं मानेगी कैसे नहीं भाव जी हूँ तेरा. फोन पूरे मोहल्ले के सामने तेरा पल्लू खींचा है सर. लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो ये साड़ी तेरे बदन से अलग कर दूंगा. समझ लस का है. पीताम्बर को इस बारे में पता था. पता नहीं साहब. अच्छा एक बात बताओ निशा के पति को गुजरे हुए 3 साल हो तो यहाँ ससुराल में क्या कर रहे अपने मायके क्यों नहीं. साहब कशी जाना है. प्रकाश उसे जाने दे तो ना. सुना है प्रकाश ने उसके मायके वालों को भी धमकी दे रखी है. इसके लिए उसके मायके वाले भी उसे घर नहीं आने देते. इसलिए निशा प्रकाश से बहुत गुस्सा. मालती तुम्हारे साथ किसने जबरदस्ती की. नहीं साहब मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की. वो तो मैं खुद ही बच्चा नहीं चाहती थी इसलिए. अच्छा कौन सी दवाई खाई थी. नाम क्या था दवाई. वो मुझे किसी ने ला के दी थी. किसने. मेरी किसी सहेली है. कौन सी सहेली. नाम क्या है उसका. वो दरअसल. मालती एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ. जानवर था वो साहेब. उसकी हैवानियत आए दिन बढ़ती जा रही थी. प्रताप जानता था इस बारे में. वो साहेब
वो सब जानता था, उसके सामने ही प्रकाश मेरे साथ जबरदस्ती करता था। फिर एक दिन मेरा पाव भारी हो गया, वो बच्चा प्रकाश का ही था। सर, मैं उसे जन्म देना चाहती थी लेकिन प्रकाश नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे जहरीली दवाई दे दी। और इसलिए तुमने प्रकाश को मारने का प्लानिंग किया है ना? हो सर, लेकिन मैं अकेली नहीं थी उसमें, हम सब। हेलो, क्या? अरे मनीष, तो तुम दोनों ने मारा प्रकाश? हो सर, हमने मारा उसे। वैशाली लेके गई थी हमें वहां पर कि अपने दादा से हमारे लिए बात करेगी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि वो हैवान मेरे पति को मार रहा था। मेरे पर हाथ उठाती है, और तुमने क्यों मारा? साहब, क्योंकि सिर्फ मालती था ही नहीं, मैं भी उसका शिकार थी, इसीलिए तो मेरे माँ बाप के पास जाने से मुझे रोक रहा था, और बाद में मुझे बेचने पे तुला था। और पुलिस को बेवकूफ बनाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग की पैदाइश हुआ है ना? क्या करता साहब, उसकी हैवानियत की सजा तो ये लोग भुगत रहे थे, और सजा कैसे दिलवा था, मगर वैशाली इसके खिलाफ थी। गलत है ये सब बाबा, दादा ने जुर्म किया इसलिए आपने भी जुर्म किया, और उसको छुपा के आप लोग एक और जुर्म कर रहे हो। नहीं, मैं ये सब पुलिस को बताऊंगी। बेटी, पुलिस के पास मत जाना, तेरी एक गलती सारे घर को उजाड़ सकती है। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, पुलिस के पास मत जा बेटी, पुलिस के पास। हमने वैशाली को समझाया, वो हमें साथ देने के लिए तैयार भी हो गई साहब। अब ये बताओ, मनीष को क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था वो मैं। दादा, ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? मैं भी तो था उधर। देखो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा को बोलना ये सारी बोट और मार्केट की पूरी जमीन मेरे नाम कर दो, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। 3 दिन से पीछे पड़ा था, आज हमने सोचा कि बस खत्म ही करें। देखो, बाबा तो नहीं मान रहे। ठीक है, फिर जाके सड़ो जेल में। जानते थे कि वैशाली भी हमारे पीछे आई है। वैनी, क्या किया तुम लोगों ने? वैशाली देखना, हमारे पास कोई चारा नहीं था। वैशाली, इसने हमारा वीडियो बनाया था, वो प्रकाश को मारते हुए ये हमें लूट रहा था। वैशाली, आखिरी बार हमने किया है, हम सबकी भलाई के लिए, समझना। हाँ निशा, साड़ी पे खून,
तेरी साड़ी में भी है, हमें इसे धोना होगा। और ये कोयते को दरिया में फेंकते। वैशाली तू इसका मोबाइल ले और मोबाइल में से वीडियो डिलीट कर। हाँ और घर जा, हम अभी आते हैं। वैशाली ने इस एमएमएस को डिलीट करने से पहले अपने आप को भेजा, शायद वो चाहती थी कि ये सच्चाई सबके सामने आए। तुम लोग ये बताओ क्या किया वैशाली के साथ? पुलिस ने वैशाली की तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कहां गई वैशाली? वैशाली की सच्चाई उसे कभी ना कभी पुलिस तक ले जाती। क्या इसी डर से नाखवा परिवार ने उसे भी मार दिया था? मालती और निशा को प्रकाश और मनीष के कत्ल के लिए और पीताम्बर और प्रताप को सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए सजा हुई। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। ये सही है कि जुर्म सहना जुर्म को बढ़ावा देना होता है, जो कि यहाँ निशा और मालती के केस में हुआ। लेकिन जुर्म का जवाब जुर्म से देना, इसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर मालती और निशा अपने ऊपर हो रहे शारीरिक शोषण की शिकायत पहली बार में ही पुलिस को कर देती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। उनके परिवार का कोई भी सदस्य पुलिस को सूचित करके इसे रोक सकता था, लेकिन सही समय पर सही कदम ना उठाने का ये परिणाम है कि आज ये लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये बेहद जरूरी है कि अगर हम किसी भी तरह का अन्याय या जुर्म होता देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और उसे वहीं रोकें, वरना ये कई जिंदगियां खराब कर सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।